अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्यूटर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने मोबाइल पे अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है कैनवा। तो ये ईजिली आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे हम थंबनेल बनाएंगे। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। एक बहुत अच्छी ऐप है, आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने थंबनेल्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत सारी आप लोग यहाँ पे चीज़ें बना सकते हैं। आप YouTube वीडियो के लिए भी यहाँ पे थंबनेल बना सकते हैं, चैनल आर्ट के लिए भी, इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए भी, बिजनेस कार्ड, वीडियो वगैरह, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन मुझे क्या बनाना है, मुझे इसमें बनाना है YouTube थंबनेल। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे YouTube थंबनेल है, मैं इस YouTube थंबनेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए। तो अब मुझे जो अच्छा लगेगा इसमें, जो अच्छा टेम्पलेट इसमें लगेगा, उस टेम्पलेट में मैं इसमें क्या बनाऊँगा, थंबनेल बनाऊँगा। सपोज करो कि मुझे ये वाला अच्छा लगा, ये वाला मुझे अच्छा लगा, तो मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें थंबनेल बनाना है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं इनको हम एडिट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये इमेज को मैं यहाँ नीचे, अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके लिए, डिलीट भी कर सकता हूँ, रिप्लेस भी कर सकता हूँ, इसकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, सिंपली पहले मुझे इसको डिलीट करना है, तो मैं यहाँ नीचे इस पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे नई इमेज ऐड करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा। तो प्लस पे क्लिक करने के बाद आप नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी आपके पास टेम्पलेट है, एलिमेंट्स हैं, गैलरी है, अपलोड है, टेक्स्ट स्टाइल्स, तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली गैलरी पे क्लिक करना है जिसमें मैंने अपनी एक इमेज स्टोर करके रखी है। ये देखिए ये वाली इमेज मुझे यहाँ पर लानी है, ये हमारे मैथमेटिक्स टीचर हैं, इसकी मैं इमेज यहाँ पर ले रहा हूँ। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे कोने पे मैं यहाँ पे इसको पकड़ के इसको इसका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो ये हो गया हमारा इमेज का काम। अब अगर मुझे टेक्स्ट लिखना है तो मैं इस पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकता हूँ ऐसे। तो फिर मुझे जो लिखना है वो मैं लिख सकता हूँ। फर्ज करो कि मुझे यहाँ पे लिखना है क्लास 10th, इसमें मैं इतना ही लिखूँगा और इस प्लस की यहाँ पे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। तो ये मैं ऊपर ले जा रहा हूँ थोड़ा सा, ये भी थोड़ा छोटा है ये वाला, तो इसको भी मैं क्लिक करके यहाँ पे नीचे डिलीट कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे और टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, प्लस आइकन पर क्लिक करके मैं यहाँ नीचे टेक्स्ट पर क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, फिर यहाँ हेडिंग पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे टेक्स्ट ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है यहाँ पे रियल नंबर्स, तो ये आ गए मेरे रियल नंबर्स। अब इसको यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे मुझे रखना है, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। अब अगर मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है तो मुझे, मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट है, तो फॉन्ट पे क्लिक करके, तो यहाँ पे फॉन्ट है, फॉन्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फॉन्ट्स आएंगे। तो आप जो इसमें आप लोगों को अच्छा लगेगा वो आप इसमें रख सकते हैं। तो सपोज़ करो कि मुझे ये वाला अच्छा लगा, नहीं ये वाला थोड़ा सा बेकार है, मैं ये वाला रख रहा हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको ये रख सकता हूँ यहाँ पे। तो अब अगर मुझे कुछ और टेक्स्ट इसमें ऐड करना है तो मैं भी फिर से प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ फिर से टेक्स्ट पे और यहाँ पे ऊपर मुझे ऐड हेडिंग पे क्लिक करूँगा और इसको फिर से एडिट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सरसाइज 1.2। तो इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाके ऐसे एक ही लाइन में रखूँगा। तो उसके बाद फिर से क्लिक करना है, फिर से मैं टेक्स्ट लिखूँगा। अब सपोज़ करो कि मुझे इसमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 4, 5 या 4 and 5 मुझे यहाँ पे लिखना है, यानी कि जो आपको लिखना है आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। मुझे यही लिखना है तो मैं यही लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है।
ये हमारा आ गया ये। अब इसका हम चाहे ये वाला टेक्स्ट हो, इनको हम यहाँ पे कोई दूसरा फॉन्ट भी दे सकते हैं और कलर भी दे सकते हैं। देखिए अगर मैं इसका कलर दूसरा दे दूंगा रियल नंबर्स का, मुझे क्या करना है, मुझे नीचे यहाँ पे कलर ढूंढना है, कलर पे क्लिक करके यहाँ पे कोई भी कलर मैं दे सकता हूँ। सपोज करो कि मुझे येलो कलर अच्छा लगा तो मैंने येलो कलर यहाँ पे दिया। अब एक्सरसाइज पे मुझे दूसरा कलर देना है तो मैं यहाँ पे नीचे जाके अपने हिसाब से फॉर एग्जांपल रेड कलर देता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पे अगर मैं कोई दूसरा कलर देना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे इसका भी कलर चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क है, तो इसमें यही दो कलर जो हैं वो ज़्यादा यहाँ पे ब्राइट दिखेंगे या कलर। तो इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से आप बहुत सारी फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन भी अलग अलग दे सकते हैं, तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो एक और चीज़ इसमें यह है कि आप लोग यहाँ पे प्लस के आइकन पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे नीचे ऑप्शंस मिलेंगे कि आप लोग क्या इसमें ऐड करना चाहेंगे। अगर आप लोग कोई चीज़ इसमें ऐड करना चाहेंगे जैसे कि सब्सक्राइब बटन है, लाइक बटन है, तो आप लोग यहाँ नीचे जाएंगे, एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो एलिमेंट्स में आपके पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। अगर यहाँ पे नज़र नहीं आएगा तो आप यहाँ पे सर्च वाले बॉक्स में आप सर्च भी कर सकते हैं और आपका ये जो है वो आएगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे YouTube का आइकन लाना है, इसको मुझे यहाँ पे नीचे रखना है या कहीं पे जहाँ पे मेरी मर्ज़ी। तो आप लोग अपने हिसाब से कहीं पे भी रख सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा। या फॉर एग्जांपल लाइक बटन है, इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे रख सकता हूँ। तो इसके अलावा और कुछ अगर मुझे लिखना है, सपोज़ करो इंस्टाग्राम, इसका भी मैं साइज़ थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे रख सकता हूँ। तो हैंस की बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। आप लोग अगर इसमें देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप लोग अलग अलग चीज़ें अगर आप बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे बैकग्राउंड्स भी मिलेंगे, वो आप इसका चेंज कर सकते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे आप लोगों ने बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पिक्स के ऊपर एक रेड या वाइट कलर की लकीर देखी होगी, वो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इमेज पे क्लिक करना है। इमेज पे क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है यहाँ पे इफ़ेक्ट्स, तो इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ढूंढना है शेडोज़ वाला ऑप्शन। तो शेडोज़ पे आपने क्लिक किया, उसके बाद आप क्या करेंगे, ग्लो पे क्लिक करेंगे। ग्लो के ऊपर ही आप और एक क्लिक करेंगे तो इसमें आप लोगों के ये वाले ऑप्शंस आएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी 100 रखनी है और ब्लर आप बिल्कुल 0 रखेंगे। यहाँ पे कलर भी दिया गया है कि कौन सा कलर आप चूज़ करेंगे। सपोज़ करो कि मैं वाइट कलर पसंद करता हूँ तो मैंने यहाँ से वाइट कलर पे क्लिक किया। अब यहाँ ऊपर साइज़ में आप देखेंगे, आप साइज़ के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये लाइन है, इस लाइन का जो साइज़ है वो चेंज हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे साइज़ भी ऐड कर सकते हैं कि कौन सा साइज़ आपको सूट करता है। तो उसके बाद डन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा थंबनेल जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आप इससे भी अच्छा थंबनेल बना सकते हैं क्योंकि आप लोगों के पास टाइम होगा। मैं यहाँ वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली आपको ये सिखा रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें क्या हैं। बाकी आप जब आप इस ऐप को खोलेंगे तो आपको सारा कुछ समझ आएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें करनी है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.